खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। छपरी कही के एक रूमी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, आ गए का कैसन है अब एक गाना सुना दे कि गरम चाय की प्याली हो, कोई हमको पिलाने वाली हो, फिर गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो। तो मिक्का जी की डिश पूरी हो गई है, तब उनको आखिरकार मिक्का जी स्वयं नहीं कर रहे थे, अब पत्नी मिल गई है उनको। मतलब आगे तो शादी करेंगे, अब का है पत्नी के रूप में किसको चुने हैं, का है पूरी बात, चलिए आपको दिखाते हैं। आखिरकार मिक्का को अपनी वोटी मिल ही गई। जी हाँ, मिक्का सिंह ने स्वयंवर के दौरान आकांक्षा पुरी को चुना अपनी पत्नी के रूप में। एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी रियलिटी स्वयंवर मिक्का दी वोटी की विजेता बन गई हैं। इस शो के जरिए अपने लिए दुल्हनिया ढूंढ रहे मिक्का सिंह ने उन्हें अपना लाइफ पार्टनर के तौर पर चुना है। शो में वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट के तौर पर आई आकांक्षा दर्शकों का मनोरंजन करने में सक्सेसफुल रही है। अब चूंकि वे शो जीत चुकी है तो बताया जा रहा है कि जल्द ही मिक्का सिंह उनसे शादी करेंगे। 12 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुआ ये शो, बता दें कि इसमें वे फाइनलिस्ट में थी। आकांक्षा के अलावा प्रणीता दास और मीत महल भी पहुंची थी। सभी ने दुल्हन की बेहतरीन ड्रेस में शो को चार चांद लगाए और मिक्का सिंह को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। शो में तीनों फाइनलिस्ट की हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसी रस्में भी हुई। अंत में मिक्का ने फाइनल डिसीजन लेते हुए अपनी सबसे अच्छी दोस्त आकांक्षा को लाइफ पार्टनर के रूप में चुना। बता दें कि आकांक्षा पुरी लगभग 12 साल तक मिक्का सिंह की दोस्त रही हैं। जब उन्होंने शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली तो बाकी कंटेस्टेंट ने उनकी खूब आलोचना की थी और कहा था कि जब वे मिक्का के साथ थी तब उन्हें उनके साथ अपने प्यार का एहसास क्यों नहीं हुआ। आकांक्षा ने अपने जवाब में कहा कि उन्हें मिक्का से अपने प्यार का एहसास तब हुआ जब उन्होंने उन्हें शो पर दूसरी लड़कियों के साथ देखा, इसलिए उन्होंने खुद इस शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री लेने का फैसला किया। शो के दौरान आकांक्षा ने बार बार ये बात दोहराई कि अगर मिक्का उनकी साइड में फैसला नहीं लेते हैं तब भी उन्हें पूरी तरह से भी सपोर्ट करेंगी। शो के फिनाले एपिसोड में जब मिक्का ने आकांक्षा से कहा कि वे चाहते हैं कि वे उनके लाइफ पार्टनर बनने के बाद भी उनकी सबसे अच्छी दोस्त रहे, मिक्का ने कहा कि उनकी पत्नी को उनकी सबसे अच्छी दोस्त होना चाहिए। रिपोर्ट्स की माने तो करीब 6 महीने पहले जब मिक्का और आकांक्षा के अफेयर की खबर सामने आई थी तब आकांक्षा ने सफाई दी थी और कहा था कि वे उनके सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वे उनसे शादी नहीं करना चाहती। आकांक्षा पुरी पेशे से मॉडल और बॉलीवुड के साथ साथ तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों की हीरोइन है। उन्होंने टीवी शो विघ्नहर्ता गणेश में माता पार्वती का रोल निभाया है। साल 2015 में रिलीज हुई मधुर भंडारकर की फिल्म कैलेंडर गर्ल से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया था, जो अभी तक की उनकी इकलौती हिंदी फिल्म है। खैर इस खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आखिरकार अब जल्द का शादी की अपडेट आती है ना दर्शकों, जैसे ही हमको पता चलेगा वैसे ही आप तक लेकर आएंगे हम। तो फिलहाल तो जाते हैं, लेकर आते हैं अगली खबर, तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा आंटी के साथ। जयराम जी की दर्शकों।